गलियारों में हमेशा ही सेलिब्रिटीज अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को लेकर काफ़ी सुर्खियां बटोरते हुए देखे जाते हैं। हमेशा ही अपने इंटरव्यूज के जरिए अपने दिल की बातों को शेयर करते हुए नजर आते हैं, तो वहीं परिवार के सदस्यों को लेकर भी कई राज खोलते हुए नजर आते हैं। वेल, देखा जाता है कि सेलिब्रिटीज जहाँ एक ओर आप सभी को फिल्मी पर्दे पर जमकर एंटरटेन करते हैं, फिल्मी पर्दे पर अपने को स्टार्स के साथ बेहतरीन बॉन्डिंग शेयर करते हुए नजर आते हैं, वहीं दूसरी ही तरफ गौर किया जाए उनकी पर्सनल लाइफ की तरफ, उनकी फैमिली की तरफ, तो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ वह कितनी प्यारी बॉन्डिंग शेयर करते हैं, इस बात का खुलासा अक्सर वह अपने इंटरव्यूज के जरिए करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमारे इस प्रोग्राम के जरिए बात करेंगे एक बार फिर से बॉलीवुड की चर्चित परिवार के बारे में। हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर देओल फैमिली के बारे में। देओल फैमिली बॉलीवुड इंडस्ट्री में हमेशा ही चर्चा का विषय बनी रहती है। देओल फैमिली का फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग ही नाम और रुतबा है। अक्सर देओल फैमिली से कई बड़ी खबरें आती रहती हैं। देओल फैमिली के सदस्यों ने जहाँ एक ओर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी बेहद खास पहचान बना रखी है, तो वहीं अपने रिश्तों को सजोए रखने के लिए भी काफ़ी मशहूर हैं। इस बात से आप सभी वाकिफ़ हैं कि बॉलीवुड के ही मैन कहे जाते हैं धर्मेंद्र, तो वहीं धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी है। जी हाँ, वहीं दूसरी ही तरफ धर्मेंद्र के दोनों बेटे सुपरस्टार के तौर पर मशहूर हैं, सनी देओल और बॉबी देओल, और धर्मेंद्र की दोनों बेटियां भी फिल्म इंडस्ट्री में हाथ आजमा चुकी हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ईशा देओल और अहाना देओल के बारे में। ईशा देओल एक बार फिर से फिल्म इंडस्ट्री में कमबैक कर चुकी हैं और ईशा देओल अपने कमबैक को लेकर काफ़ी सुर्खियों में बनी हुई हैं। इस वहीं आज हमारे इस प्रोग्राम के जरिए बात करेंगे यहाँ पर धर्मेंद्र के छोटे प्यारे लाडले बेटे एक्टर बॉबी देओल के बारे में। बॉबी देओल सनी देओल से तकरीबन 10 साल छोटे हैं, लेकिन दोनों के बीच बहुत ही प्यारी बॉन्डिंग है। दोनों एक दूसरे पर भरपूर प्यार बरसाते हुए देखे जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉबी देओल अपने बड़े भाई सनी देओल का एक और रूप सहते हैं? जी हाँ, उनके उस रूप को देखने के बाद बॉबी डर भी जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बात करेंगे हमारे इस प्रोग्राम के जरिए बॉबी सनी देओल की बॉन्डिंग के बारे में, और साथ ही साथ बात करेंगे वह अपने पिता धर्मेंद्र के साथ कैसी बॉन्डिंग शेयर करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांशी राठौर। दरअसल बता दें आपको कि बॉबी देओल ने अब तक अपने इंटरव्यूज में कई राज खोले हैं। बॉबी देओल का हर कदम पर साथ दिया है पूरे देओल परिवार ने। धर्मेंद्र और सनी देओल हमेशा ही बॉबी देओल को समझाते हुए नजर आए हैं। सनी देओल ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह ड्रिंक नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें ड्रिंक की दुर्गंध अच्छी नहीं लगती है। वहीं सनी ने ये भी बताया कि एक बार जरूर उन्होंने ड्रिंक कर ली थी, लेकिन बॉबी देओल को अक्सर बीटाउन पार्टीज में स्पॉट किया जाता है। जी हाँ, अपने भाई के बिल्कुल अपोजिट हैं बॉबी देओल। देओल सनी देओल के किस तरह के बर्ताव को झेलते हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सनी देओल ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी और बॉबी की उम्र में 10 साल का अंतर है। दरअसल बता दें आपको कि बॉबी ने अपने एक इंटरव्यू के जरिए बताया था कि सनी और मेरी उम्र में 10 साल का अंतर है और ये मेरे दूसरे पिता हैं। ये अक्सर मुझे डांटते थे कि पार्टी में क्यों जा रहा है, वहाँ क्या करेगा, वहाँ पूरी तरह अंधेरा होता है।
डांस करेगा या क्या करेगा। मैं बोल रहा हूँ कि आज माँ और पापा बाहर हैं तो मैं पार्टी करता हूँ। एकदम भाई की गाड़ी आती है और पूछते हैं कि कहाँ जा रहा है, फिर कहते हैं कि ये समय है कोई बाहर जाने का। मैं कहता था कि क्या दिक्कत होती है आपको। इस तरह से बॉबी देओल ने अपने इंटरव्यू के जरिए अपने भाई सनी देओल के बर्ताव को लेकर खुलासा किया। तो वहीं सनी देओल ने भी अपने इंटरव्यू के जरिए कई बड़े राज खोले। बॉबी देओल ने बताया कि सनी देओल कहते हैं कि हम लोग ऐसे परिवार से आते हैं जो अपने इमोशन छिपा नहीं पाते हैं। अगर हम गुस्सा हैं तो चेहरे से दिखा देंगे और हम खुश हैं तो वह भी चेहरे पर दिखेगा ही नहीं। सनी देओल अपने पिता धर्मेंद्र को लेकर कहते हैं कि मेरे पिता इतना ज़्यादा काम किया करते थे कि 2 से 3 शिफ्ट में वह काम किया करते थे। हमारे घर में बहुत प्यार होता था। हमें अगर पापा डांटते थे तो दादाजी रोक लिया करते थे। इस तरह से सनी देओल ने अपने पिता को लेकर अपने दिल की बात को शेयर किया। इतना ही नहीं, बॉबी देओल ने अपने इंटरव्यू के जरिए बताया कि मैंने अपने बेटे का नाम धर्म रखा है क्योंकि इस नाम का हमारे लिए बहुत ही मायने है। मेरा बेटा बिल्कुल मेरे पिता की तरह है, वह बिल्कुल वैसा ही दिखता है और चलता है। अब धीरे धीरे हम बदल भी रहे हैं, सोशल मीडिया भी इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे बच्चे बिल्कुल देसी तरीके से पले बड़े हैं। इस तरह से बॉबी और सनी देओल ने अपने इंटरव्यू के जरिए अपने परिवार के राज खोले। वेल दोस्तों, इतना ही नहीं, जहां एक ओर बॉबी देओल को डांटते हैं फटकारते हैं सनी देओल, तो वहीं उनके पिता धर्मेंद्र भी उन्हें डांटते हैं। बॉबी देओल ने बताया कि ऐसा नहीं है कि पापा मुझे बाहर जाने की परमिशन दिया करते थे, वह भी घर में बैठा दिया करते थे। बार बार डांटते थे और कहते थे कि 6 बजे के बाहर बिल्कुल बाहर नहीं जाना है। 4 बजे स्कूल से आते थे और 6 बजे के बाद घर से बाहर जाने पर रोक लगा दी जाती थी। इस तरह से बॉबी देओल ने अपने बड़े भाई सनी देओल और अपने पिता धर्मेंद्र के बर्ताव को लेकर खुलासा किया। वेल, देखा जाए तो सनी देओल और धर्मेंद्र ने बॉबी देओल को बेहद लाड़ प्यार से पाला है और हमेशा ही पिता बेटे की ये खूबसूरत जोड़ी हर किसी का दिल जीतती हुई नजर आई है। धर्मेंद्र, बॉबी देओल और सनी देओल ने साथ में मिलकर कई फिल्में भी की हैं। वर्क फ्रंट के बारे में बात की जाए तो एक बार फिर से पिता बेटों की ये प्यारी सी जोड़ी आप सभी को नजर आएगी फिल्म अपने की सीक्वल अपने 2 में। इस फिल्म में बॉबी देओल, सनी देओल और धर्मेंद्र के साथ साथ फैंस के लिए एक और बड़ा सरप्राइज है। और सरप्राइज ये है कि सनी देओल के बड़े बेटे एक्टर करण देओल भी अहम भूमिका में नजर आएंगे। करण देओल इस फिल्म के चलते काफ़ी सुर्खियों में बने हुए हैं और इस फिल्म की तैयारी में वह जोरों शोरों से जुटे हुए हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी इस प्रोग्राम के जरिए हमने बात की यहाँ पर पिता बेटों की खूबसूरत बॉन्डिंग के बारे में। आप क्या कहते हैं यहाँ पर पिता बेटों की खूबसूरत बॉन्डिंग के बारे में, या बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।